लाइव है तस्वीरें। एक बार फिर एक और बेटी जो एक दरिंदगी का शिकार हुई, और देखिए किस प्रकार से बेटियों के ऊपर लगातार जो है अत्याचार होते हैं। उस बेटी से बातचीत करेंगे, और बेटी भी जो है सामने इसलिए आई कि और कोई दरिंदा किसी और बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। तो नाम नहीं बता सकते, गांव का नाम नहीं बता सकते, और क्या हुआ था बताइएगा ज़रा। दादी की डेथ हुई थी, उन्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, उन्हें मेरे साथ गलत काम किया। ये कौन से महीने की बातें हैं? ये 9 महीने की। अच्छा, फिर क्या कहता है? नुकंदुजे नहीं मेरे साथ बात की तो तेरे मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा को भी, भाई को भी। नाम क्या है उसका? विजय। अच्छा, नहीं मार दूंगा किस लिए? नहीं तुम उससे बात करेगी तो तेरे मम्मी पापा को भाई को मार दूंगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14। 14। आपके घर से कितना दूर रहता है? थोड़ी दूर रहता है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी है 30-40। 30-40 साल की उम्र। और अच्छा, 20-22 साल की उम्र का है। हाँ जी। अच्छा, काम क्या करता है वो? वो गांजे बेचता है। अच्छा, नशा करता है। हाँ जी। तो ये वहाँ कैसे लेकर के गया आपको? बेलापुर से ला करके लेके गया जी। हाँ जी। इस स्थान पर आपको लेके गया, कैसे लेके गया? वो मैं हाथ पकड़ के लेके बड़ों का ले गए थे अपने चाचा के। आप क्या मौसी हैं? मैं मौसी हूँ जी, लड़की की। और मेरी सास की डेथ हो रही थी जी, हमारे को के वो करेगा था इसका मतलब मेहमान आए हुए थे हमारे घर, तो लड़की को हम कोई पता नहीं, लड़की को ले गया जी। किसी लड़की रोंदी रोंदी घर आई जी, तो लड़की ने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे कराया, तो हमने अपनी शर्म के मारे कुछ नहीं बोला जी, अपना बैठ गए घर। फिर मेरी लड़की को चंडीगढ़ ले गई जी लड़की, फिर साथ ले गया। हाँ, अपने साथ ले गई चंडीगढ़ जी। में दबा दे बात को। हाँ, दबा दीजिए हमको। तो फिर उधर भी पहुंच गया जी, लड़की की का पीछा कराया, 5-6 गुंडे लेके साथ में। अच्छा, हथियार ले गया। तो लड़की कुमारी को उठाने गया, तो फिर मेरे लड़के ने देख लिया, तो मेरे लड़के को पीछा किया जी, तो फिर भाग गया। उसके बाद फिर आया नई साल पर जी, नई साल पर फिर हम 20 सेक्टर काम करने जा रहे थे जी, तो लड़की का पीछा किया, साथ में मैं थी जी मौसी। तो उसके बाद पीछा किया तो हमने फिर पुलिस को फोन लगाया जी, तो पुलिस आई जी, पुलिस इसको उठा के लेगी जी। तो उठाने के बाद जी ये फिर इसको इसके घर के चुटा ले। हमारी चुटा ले, आपने क्या दरखास्त दी थी? हमने लड़की की दरखास्त दी थी, उन्होंने जी लड़की को खतरा हमारी को जी, तो उन्होंने फिर क्या किया, छोड़ दिया पुलिस को। पुलिस ने छोड़ दिया उसको? छोड़ दिया जी। फिर उसके बाद पर्चा हो गया दर्ज, मैंने आगे पहुंची जी, मैं एफसी का पेश हुई, तो अभी भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। हैं, लड़के ने अरेस्ट नहीं कर रहा जी, न 64 के बयान हो रहे हैं जी। कितने समय से बेटे आपको परेशान करता था? ये दादी की दादी हुई, 5-6 महीने हो गए जी। नहीं, लंबे समय से परेशान कर रहा था? हाँ जी। तो परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया? नहीं जी, मुझे डर के नहीं बताया जी। डराता था क्या? हाँ जी। क्या कहता था? तेरा तो किसी को बताएगी तो तेरे माँ बाप को मार दूंगा, तेरे छोटा से भाई को मार दूंगा। हाँ जी, तेरे भाई को। तो फिर आपने किसको बताया सबसे पहले? फिर ये रोंदी रोंदी घर आई, मौसी को बताया। अच्छा। मैंने कहा अभी तो क्यों रो रही है? कह रही है मौसी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, उनका गलत काम करा बीजे ने मेरे साथ, अपने चाचे के घर ले गया। अच्छा। हाँ, हम गांव में ले गए। गांव में लेकर गया जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी पुलिस क्या कहती है, आज आप पहुंचे हो? पुलिस ने जी सवेरे के आए बैठे हम, तो लड़की के बयान लिए 4 बजे। अच्छा। हैं, पुलिस मारे को डांट रही है अभी, यह कर दूंगी तुमने, अंदर कर दूंगी, वह कर दूंगी। हैं, हम तो जी बैठ गए आराम से। हैं, फिर हमने वीडियो वाले बुलाए जी। हैं, अभी तक तो कोई 64 के बयान भी नहीं हुए लड़की के। आप पढ़ते हो बेटे? नहीं जी, पढ़ती थी पहले, पढ़ाई छुटवा दी थी। पढ़ाई छुटवा दी थी। तो ये लोग इस तरीके के दरिंदे समाज में घूमते हैं, और बेटियों को आप क्या कहेंगी, किस तरीके से मतलब जो है अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को कैसे बचाएं ये ऐसे ऐसे दरिंदों से? उन्हें दर्ज करो कागज जी, उन्हें अंदर कराओ। हाँ, और सामने आना चाहिए, मेरे पेश करो मेरे सामने जी,
मेरे सामने पेश करो, पेश नहीं कर रहे लड़के ने अभी तक। अच्छा, हाँ जी। और लड़के को लेने के लिए गया कोई? लड़के को लिया ही नहीं, कोई गया ही नहीं है जी। अच्छा, पुलिस नहीं गई? नहीं गई जी। क्या अब क्या कहती है पुलिस? अब क्या कहती है, करी नहीं करी अभी। और FIR दर्ज की है? ये अभी नहीं करी। 14 साल की लड़की है? हाँ जी। नाबालिग है? नाबालिग है, 14 साल की बेटी है। क्या चाहते हैं प्रशासन से, सख्त कार्रवाई हो? हाँ जी, मैं तो कार्रवाई चाहती हूँ जी। मेरी लड़की ने इंसाफ मिलना चाहिए जी। ठीक है, नहीं तो ये देखिए नाबालिग है ये, सीधा करेंगे कागज को। नाबालिग है ये बच्ची और अभी उम्र सिर्फ महज 14 साल है, और किस प्रकार से एक दरिंदगी का शिकार हुई है। सजा होनी चाहिए, सख्त करड़ी तो करड़ी जमा। जो सजा मिलना किसी के लड़के के साथ ही ऐसा काम ना करे। ये पुलिस ने कभी रिश्वत खुआते हैं ये, तो रिश्वत खा कर ये दब जाते हैं। ये कभी भी काम नहीं कर सकते हैं किसी का, गरीब का अमीर का। आज तो गरीब गल लड़कियां गल मारा गल हुई इनका, लड़कन किसी और के साथ भी होगी। इनका तो लाठी का भी जोरा है, इनका तो जोरा रफिया का भी है। गरीब आदमी का जोरा नहीं तो फिर इसका मतलब ये लड़की का गल अत्याचार होता रहेगा जी। बहू जी मैं क्यों होया गया यू, नशा क्यों नहीं आंदा यू? जो पंचायत आवे है, पंचायत के यहाँ आम है, मुँह में मुँह दे कर बतला मैं। और पंचायतें अपना गटमट कर का भी तेरे मैडम के साथ है। पंचायती बुलाया था कोई? आ रहे थे। अच्छा, चले गए? चले गए। लेडीज भी आ रही थी, वहाँ भी चली गई। रिश्तेदार भी तो इसी कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी क्या प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांगा आपकी, आप क्या चाहते हैं? ये तो इंसाफ चाहिए। सजा मिले उसको? हाँ जी, सजा मिले उसे, सख्त से सख्त सजा मिले। हाँ जी। तो बेटियाँ सेफ नहीं है? सेफ नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? नो जी। नो लड़की, तो इस समाज में बेटियां सेफ नहीं है जी। लड़की बसामा भी जावा है या कॉलेज में भी जावा है या घर भी जावा है, तो इनके साथ रास्ते में भी उलपेल होवे। जब घरों में उलपेल होने लगी तो रास्ते में तो शान की बात है, आम बात है, घरों में तो होनी बात है। उस टाइम में भी रोटी पर आई हुई थी, जिस टाइम हम डोल लागे नाच रहे थे, कूद रहे थे अपनी मस्ती में, डीजे बज रही थी, जिस टाइम यहाँ लड़की ने यू बुलाई है, बुलाई गई है, तो इसके गले जो भी कुछ करे है नहीं, तो इसने प्यार से बुला कर करे है। ठीक है, आंधे वक्त फिर लड़की ने बोला तो ये कोई नशा, कोई नशीली चीज भी लगता आपको दी गई थी कुछ ऐसा है? हाँ जी लगता है, कुछ आपको नशीली चीज या कुछ पिलाया गया था? हाँ जी लगे थे, पानी में पिलाया था। नशीली चीज दी गई है? हाँ जी। और कितने बजे बुला करके गए आपको? जैसे हो गया तीन चार का टाइम तो जी। अच्छा, और आपको कितने बजे होश आया? मुझे घंटे डेढ़ में, मैं घर पर आई थी रोती रोती। बताया सबसे पहले? मासी को बताया। हाँ जी। तो आपने यही सोचा भाई चलो बेइज्जती ना? हमने तो बेइज्जती के कारण जी छोड़ दिया, बात दबा दी भी छोड़ो पर है। उसके बाद फिर मैं अपनी लड़की ने उधर लेगी चंडीगढ़ भी गया, वहाँ भी पीछे नहीं छोड़ा इस लड़के को। हमारी कोई कार्रवाई इस व्यक्ति से? हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी अभी तक। ठीक है, खतरा है जो भी वहाँ चंडीगढ़ भी पहुँच गया यू, खतरा है यू। और इस तो बत्ती ऊपर खतरा को करो होगा जी, बच्चे ने भी मान के दम के देवे, माँ ने भी देवे, बाप ने भी देवे, सब ने भी देवे यू है। अपनी बहन बेबे का समान समझनी चाहिए, फिर नहीं समझती दुनिया। ठीक है, ये भी सर रोल बना दिया भी अपनी लुगाइया ने भी छोड़ छोड़ कर और दूसरा घर बसाओ, उसमें रखा ही है के बोला रेलवे मिलिशन में तो नहीं कहना था, उनमें रखा ही है। और घर के बालक बाट देखे जाओ, घर की लुगाई बाट देखे जाओ, या दूसरे घर बसाए जाओ, उनका गला भी कड़ी तक कड़ी सजा होनी चाहिए पूरी। हाँ, उनने भी सजा मिलनी चाहिए इस बात की जो भटक दी। हाँ हाँ, 14 साल की लड़की है या 14 साल की लड़की गला जो करी काम करे है नहीं, तो जेल का मैं यू सीढ़ा है तो मामला सब्र आवा, नहीं तो सब्र को नहीं आवा। जब यह मंजूर हो तो मैडम ने बात कर लेगी, और न बेसंगता इस केस ने आरा फाता फाका कर दो, आगे मीडियम जाना या माम जाना। ठीक है नहीं बात है? बेटी सब की है जो 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, परिवार के लोग जो है सदमे में है, बेटी को यहाँ से दूर ले जाया जाता है ताकि बात दबे, लेकिन वो दरिंदा, वो हवशी जो है चंडीगढ़ भी पहुँच जाता है और बेटी के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बन जाता है। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और अभी उसी की जांच पड़ताल में लगी हुई है कि कहाँ वो व्यक्ति है, कहाँ वो पहुँचा हुआ है। और महज 14 साल की इस बेटी के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हुआ है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ के नारे इस सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन बेटियां आज भी सेफ नहीं है। बने रहिएगा, जुड़िएगा, तस्वीर को सेफ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम आपके आसपास नज़दीक घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।